मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव लोई यहां के मतदाताओं का मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वह भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वह भाजपा को वोट देंगे क्योंकि उनके क्षेत्र में संजीव बालियान ने काम करवाया है और वह उनके काम से सहमत है। आइए जानते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लोई के मतदाताओं की राय क्या है, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है जी आपका? देवराज। कौन से गांव के हो? लोई के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, तो क्या देख रहे हैं आपके चुनाव में, क्या होगा गांव में? गांव में तो जी बस सब ढाल का काम चल रहा। सब ढाल का कैसा? कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। आप किसके साथ हो? हम तो जी इसके साथ है, उमेश मलिक के। उमेश मलिक भी तो बीजेपी में है? हम बीजेपी में ही है। अन्य पार्टियां भी मैदान में है? कोई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। और अच्छा, सांसद जी से मिले अपने? है जी, सांसद जी से मिले? हाँ मिले। कुछ कार्य वाले करवाए गाँव में? देखो कार्य तो कुछ हो या नहीं। हाँ अच्छा, मैं थोड़ी ही वोट कभी चले जाओ, कुछ तकड़ा काम मिले तो वोट बांट मिलते तो करवाते ही। वोट नहीं मिली हमें? नहीं, थोड़ी मिली। आपके आपके क्या होगा? आपका तो उम्मीद है जी, मिल जाओ ना 1500 वोट मिलते। बोलो भैया आपका? मेरा फजलुर रहमान कुरैशी। कौन से गाँव के हो? गाँव लोई से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को, क्या करोगे? चुनाव की जी स्थिति चल रही, पूरा गांव का ये रुझान है, कहने लगा आपके बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे जी। मैं गांव में घूमना मना कर रहे हैं तो लोग बात कोई भी नहीं। कल संजीव बालियान के भाई विवेक बालियान जी आ रहे थे, सब पूरे गाँव में सब सपोर्ट करा। कल गाँव में कार्य भी करवाया संजीव बालियान जी ने? हाँ जी, कार्य करवा रहे हैं। अभी जोड़े जो है जोड़ों का काम करवाया फिलहाल में, और जो लेन खिंचवाई अभी ट्रोली आई है गांव में। समाजवादी पार्टी से भी हरिंदर मलिक है मैदान में, उनका क्या होगा? उनका तो जी अभी तो देखो, पर यहाँ से तो जी ज्यादा सपोर्ट बीजेपी का है जी फिलहाल। नाम है भैया आपका? मोहम्मद जावेद। कौन से गांव के रहने वाले? जी इसी गांव से, लोई से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो मुस्लिम समुदाय इस चुनाव को कैसे देखता है? मुस्लिम समाज जो है मतलब कैसे देख रहा है चुनाव को, क्या होगा आपके? सॉरी सर, मैं बता नहीं सर। वोट तो डालते होंगे आप? जी हाँ, वोट तो डालता हूँ। पिछली बार किसे करा था? इसको अखिलेश यादव सापा को किया था। तो पसंद है अखिलेश यादव जी, जी हाँ। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे वोट तो कहीं ना कहीं तो होगा, वोट तो सापा को ही जाएगा हमारा। अच्छा, सापा को ही जाएगा जी। बालियान जी भी है सांसद रहे आपके, 10 साल हो गए गाँव में घूमे, मिले उनसे? जी हाँ, गाँव में आते रहते हैं वो। कुछ कार्य वार्य करवाए उन्होंने? कार्य तो जी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं किया उन्होंने शायद यहाँ तो परिवर्तन करोगे आपके? जी देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है जी आपका? रोजीन। कौन से गांव के रहने वाले? लोई। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, तो गांव में कैसे ने देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव तो है जी, वोट से लेंगे तो क्या होगा आपकी बात? ये तो परेशानी जी, क्या होगा, वोट मिलेंगे दोनों को, दो को मिलेंगे वोट यहाँ। किससे किससे? बालियान को और उन्हें हरिंदर को, दोनों के भाई। कुछ काम वाम करवाए बालियान जी ने गांव में? हाँ, काम तो करवाते। क्या काम करवाए? सड़क बनवाई। अच्छा। बालियान साहब ने नहीं बनवाई, उन्होंने वो जो राज्यपाल हैं विधायक, उन्होंने करवाया काम। ये तो सड़क सारी टूटी पड़ी जी। हाँ, ये तो पड़ी है गाँव में। अच्छा, संजीव बालियान जी से मिले आपके सांसद रहे हैं 10 साल? नहीं, मैंने किसी से मिला। तो परिवर्तन चाहते हो, क्या चाहते हो आपके? तो पब्लिक के हाथ में आई। आप भी तो है वोटर है? आप भी तो मैं वोटर तो हरिंदर को दूंगा मैं तो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हमीद है जी। कौन से गांव के रहने वाले? इसी गांव का रहने वाला है। कौन सा गांव है ये? लोई। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का जी, तो गांव में मुस्लिम समाज का क्या आपके है? मुस्लिम समाज दोनों तरफ जाएंगे जी, बीजेपी को भी समाजवादी को। अच्छा जी, तो जैसे बालियान जी हैं आपके सांसद जी रहे हैं 10 साल हो चुके हैं, कोई कार्य वार्य करवाए गांव में? कार्य तो सब जो अपनी मर्जी से करवाई है जी, सब बढ़िया ही कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपका मत किधर होगा आपके? नाम वाले बच्चों को कहेंगे बैठे वही कर देंगे। अच्छा, अभी मन बीजेपी का ही हुआ है। बीजेपी का। क्या नाम है आपका? चौधरी हैदर। कौन से गांव के रहने वाले आप? लोई। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, तो गांव में कैसे देख रहे हैं चुनाव को, क्या होगा आपकी बात? आपकी बात तो ये है, वैसे तो जनता तो भाई आपके जो है बदलाव पे है,
बदलाव क्या होगा? हाँ बदलाव यही है, जो कैंडिडेट है आपका दूसरा आओगा मैदान में। भाई यहाँ तो दो है फिलहाल तो सही कंडीशन में तो। अच्छा हरिंदर मलिक है और ये बालियान है। तो हरिंदर मलिक का कुछ है यहाँ पर गांव में? हाँ है, लेकिन खूब है। क्या होगा बस, होना जाना तो यही है, होना जाना तो खुदा के हाथ बात है क्या होना, लेकिन आपका बदलाव चाह रही पब्लिक। संजीव बालियान जी ने काम नहीं करवाया गाँव में? नहीं हमारे यहाँ तो है नहीं भाई, हम कहने लगे। अच्छा अगर काम होगा तो कहीं जाटो कामों में होंगे, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है तो ये बैठे यहाँ कोई नहीं है। परिवर्तन है आपके? परिवर्तन होगा। क्या नाम है जी आपका? राहत। कहाँ के रहने वाले आप? लोही के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो गांव में मुस्लिम समाज ज्यादा है आपके जी, तो क्या देख रहे हैं आपके? मुस्लिम समाज ज्यादातर हरिंदर मलिक पे है साइकिल पे। क्यों? 10 साल से ना तो वो आया यहाँ पे। कौन? संजीव बालियान। अच्छा न कोई विकास करा ने। अच्छा उसका यहाँ कोई भी पत्थर नहीं है। अच्छा यह है जी। तो परिवर्तन होगा गाँव में? गाँव में 90%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आलमी। कौन से गांव के रहने वाले? मैं लोही का हूं जी। अच्छा लोकसभा का चुनाव है आपके जी? बिल्कुल। तो किस वजह से देख रहे गांव में मुस्लिम समाज? गांव में तो जी मुस्लिम हो या हिंदू सब ज्यादातर जो है हरिंदर के पक्ष में है अभी। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा उनका काम और व्यवहार पहले से जो चलता आ रहा उसके हिसाब से देखा जा रहा। अन्य संजीव बालियान साहब भी थे जी, उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं अभी यहाँ तक। अरे नहीं करा कुछ? नहीं, हमारे गांव की सड़क है मेन सड़क है, तो आईटीआई भी है यहाँ, कॉलेज सरकारी है, फिर भी यहाँ बच्चों को भी परेशानी हो रहा, पानी भरा खड़ा रहे, देख भी रहे होंगे आप। अच्छा हो रहा है यहाँ, हर साल में खराब हो रही सड़क, 4-5 साल हो गई। तो नाराजगी है? नाराजगी भी कुछ नहीं, बस अब चेंज करके देख ले, वक्त को बदल ले, जब वक्त बदलेगा तो जब ही तो कुछ बदलेगा। एक को मौका दिया दूसरे को भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? विनोद है जी। कौन से गाँव के रहने वाले? लोही। अच्छा लोकसभा का चुनाव है तो क्या मूड बना रखा आपके? मूड तो हमारा तो बना ही रहा जी, सही वोट देते आ रहे हैं संजीव बालियान को, बीजेपी को। तो कार्यवाही भी करे उन्होंने? देखो कार्यवाही तो होते जाते ही रहे, पर हम तो लगे हुए हैं उनके साथ में। अच्छा अन्य पार्टियां भी मैदान में है, दारा सिंह जी भी हैं और हरिंदर मलिक जी भी हैं। चलो खैर में भी है बेचारे, वे उनका ही क्या कहें, पर हम तो वोट तो इन्हें देंगे ना। किसे? संजीव बालियान। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गौराज है जी। वाल्मीकि समाज से हो जी? अच्छा कौन से गांव के हो? लोही के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है तो कैसे देख रहे चुनाव को, क्या करोगे? बस जी चुनाव तो ठीक ही है। ठीक क्या? बस हम तो इसे फूल कोई वोट जाएंगे। क्यों? बस इस तुम्हारी ताकत सी बस हुई है कुछ। अच्छा हाँ, पर हमारे लिए हो रहा कुछ नहीं, बुरा हाल हो रहा हमारे घर ना दर, बुरा हाल हो रहा हमारे घर भी गिरल लग रहे कुछ, जो बुरा हाल हो रहा हमारा तो। योजना का लाभ नहीं मिला हमें? कुछ नहीं मिल रहा यहाँ तो, कुछ भी नहीं। हाँ हम तो मर मर के जी रहे यहाँ से। फिर क्या करोगे अब? अब तो फूल को वोट जाएंगे, चाहे सारे के सारे खत्म हो जाए जाएंगे वोट को, फूल को। अच्छा पसंद करते हो? हाँ पसंद है वो हमें। बालियान जी से मिले? बालियान जी से मिले। कुछ कार्य वारे हुए गाँव में? गाँव गाँव में कुछ नहीं हो रहे कार्य कूड़िए। अच्छा। ना यहाँ कोई होने देता, यहाँ तो आप ही खाक हो कर बैठ जा कोई ना, कते वोट है यहाँ उसके पीछे पीछे। अच्छा कुछ भट्टो बजा रहे, 160 या 150 निकट जाएंगे जब छोड़ जाए, मेरी अंगामारी जाएंगे हम। नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम ताजुद्दीन है जी। कौन से गांव के रहने वाले? लोही के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है जी 2024 का, तो मुस्लिम समाज इस गांव को कैसे देख रहा है? मुस्लिम समाज 80% तो देख रहा है जी हरिंदर मलिक को। अच्छा। 20% देख रहा नेता लोग इसको। अच्छा संजीव बालियान को। अच्छा जी संजीव बालियान जी से मिले 10 सालों में? नहीं। तो कार्यवाही हुआ कुछ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हरिंदर मलिक जी भी है सपा से है, वे पुराने नेता है, अच्छे नेता है। अच्छा जी तो फाइट होगी या ज्यादा उनका ही होगा? नहीं बाजी मार सके जी हरिंदर मलिक भी। अच्छा जी मार सके चांस है उनके। अब आपके गांव से मार सके या? नहीं नहीं मैं तो चारों इलाके की बात बता रहा जी। अच्छा जी तो आपका मत किधर होगा? आपके मेरा मत होगा हरिंदर मलिक पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आलम है। आलम जी कहाँ के रहने वाले? मैं लोही का ही रहने वाला हूँ।
अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी जी, तो किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को आप? क्या इस चुनाव को हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि इस बार कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है हमारे बिल्कुल भी। क्यों? अब आप कहना चाहोगे क्यों? उसके लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हमने मान लो वोट हरेंद्र को दे दिया, ठीक है, अब इस चीज की क्या गारंटी है कि हरेंद्र जो है वो सपा में रहेगा? क्योंकि पिछली बार हमने वोट जो दिया था तो हमने पिछली बार वोट दिया था इसे राज्यपाल को, और राज्यपाल कहाँ गया? बीजेपी में। और वोट हमारा कहाँ चला गया? ऑटोमेटिक ही बीजेपी में चला गया। और इस बार जो है इस गांव में मुसलमान वोट है, मुसलमान के पास सिर्फ मेरा कहने का एक तरीका है कि या तो वोट दे वो बीजेपी को दे डायरेक्ट, या फिर दे AIMM को, बीच में ना रह के या तो आदमी बीजेपी को वोट दे दे या फिर क्या नाम लेकर AIMM को वोट दे दे। तो आपका मत किधर होगा? हमारा मत जो होगा इस बार नोटा पे होगा। अच्छा, नोटा पे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया है, अब मान लो मैंने वोट जो है हरेंद्र को दे दिया, अब उसकी इसका कौन सा सर्टिफिकेट है कि हरेंद्र जो है इसमें ही रहेगा सपा में? बालियान जी भी है मैदान में। नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं ना अगर। अच्छा। या तो वोट दो बीजेपी को या AIMM को दो। अच्छा। सही नहीं? क्या बीजेपी ने यहाँ काम करवाया कोई? नहीं, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इस बात की बिल्कुल कहना चाहूंगा। आप क्या काम करवाए? ये दोनों तालाब करवा रखे हैं और ये आगे से सड़क भी है, काफी काम करवा रखा है बालियान जी ने, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक नोटा की है, नोटा की अपनी चॉइस है ना, वो एक अपनी आदमी का अलग चॉइस होगी। क्या नाम है भैया? बबलू नाम है भाई मेरा। पूरा नाम क्या है? बबलू कुमार। कौन से गाँव के हो? लोही के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी है। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? भाई इसमें परिवर्तन चाह रहे हैं जी हम तो। परिवर्तन क्या चाह रहे हैं? जैसे कि बीजेपी के साथ जुड़े हैं, यहाँ तो पूरे गांव में काम भी नहीं करा उन्होंने। अच्छा, और क्या करोगे अबकी बार? अबकी बार देखेंगे, जो सही आदमी होगा उसके साथ है जी हम तो। कौन है सही? सही अब आने वाले टाइम में बताऊंगा जी, अभी तो टाइम काफी है जी। क्यों, 20 दिन ही तो रह गए? तो 20 दिन में तो दूध तख्ता पलटे जी। अच्छा, तो तख्ता कैसे पलटोगे? अब देखेंगे कैसे होगा। कोई प्रत्याशी वगैरह आया? प्रत्याशी आते जी, कल विवेक बालियान आया था जी। अच्छा, क्या हुआ फिर? बज लग रहे थे उनके साथ ही। बीजेपी में कोई कार्य हुए आपके? अभी कहाँ हुए जी यहाँ से? कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। विकास कार्य है ना? या कुछ नहीं हुआ? नाराजगी है? है जी, नाराजगी है। नाराजगी कुछ नहीं जी हमें। फिर हमें तो बस बीजेपी राशन फ्री मिल रहा, बस इतना पता। जब राशन फ्री मिल रहा तो फिर वोट कहाँ जाएगी? वोट वही जाएगी जहाँ जाएगी। जा कहाँ? विवेक बालियान पे जाएगी, और कहाँ जाएगी? हरेंद्र मलिक पे क्यों नहीं? मामला तो देखा नहीं जी उन्हें। क्या नाम है भैया आपका? अहमद। अहमद जी कहाँ के रहने वाले? लोही के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो मुस्लिम समाज इस चुनाव को कैसे देख रहा? अपने तरफ वोट देंगे ज्यादातर, 80% मुस्लिम। 80% कौन? यूएसी पे। अच्छा, क्यों? क्यों कब तक पीछे भागेंगे दूसरों के? पूरी उम्र भी भागो जाएंगे। तो अबकी बार क्या होगा? अबकी बार अल्लाह मालिक जो होगा होगा ही कुछ ना कुछ तो। अच्छा, संजीव बालियान जी से मिले, 10 साल हो गए सांसद रहे आपके। संजीव बालियान पूरी उम्र से यहाँ से आकर वोट मांगा था मुसलमान का, जीत तो ही भूल गया कौन है मुसलमान। अच्छा, तो नाराजगी भी है? नाराजगी तो होनी चाहिए, होनी ना चाहिए। तो अबकी बार क्या होगा? अबकी बार ओएसी को लाएंगे कुछ ना कुछ तो, देखेंगे। क्या नाम है जी आपका? रिफागत। कौन से गांव के रहने वाले? लोही। अच्छा, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो किस वजह से मुस्लिम समाज देख रहा है इस गांव में, जो आबादी भी मुस्लिम समाज की ज्यादा है, तो कैसे देख रहा है चुनाव को, क्या होगा आपके? सब पे जाओगे भाई। हैं? सब पे जाओगे। किस पे? संजीव बालियान पे भी जाओगे। अच्छा, और हरिंदर मलिक भी मैदान में है, प्रजापति भी मैदान में है। तो जैसे हरिंदर वो आपके संजीव बालियान जी है, 10 साल उन्हें सांसद हो गए हैं, गांव में मिले आप उनसे? आए एक बार आए। हाँ, तो कोई कार्य वार्य करवाए, विकास कार्य? ना यहाँ फिलहाल कुछ नहीं। तो अब की बार आप क्या? उन्होंने विधायक जी ने करवाते एक रास्ता। अच्छा, तो अब की बार क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे या फिर बस वोट तो कोई दे जाएगा? किसे? संजीव बालियान। अच्छा, हरिंदर मलिक को क्यों नहीं? उन्हें भी देंगे, बता दो दोनों को जाऊंगा वोट से। 80%। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।